आया है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मोहल्ले में 500 लोग रहते हैं, लेकिन कई साल से न तो इनके पास रहने के लिए घर है, न ही बिजली है, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। ऐसे में लोग जैसे तैसे मोहल्ले में अपना गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुविधाओं का अभाव होने से बच्चे भी यहां शिक्षा से वंचित हैं। दिखाने जा रहे हैं डाल्टनगंज मुख्यालय के रेडमा मोहल्ला का हाल, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भुइया जाति के बहुत सारे लोग हैं। इनके पास न रहने के लिए आवास है, न बिजली है, न ही पानी है पीने के लिए, ये सारी सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या इनकी समस्या है। बहुत दिनों से इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई, न कोई पदाधिकारी यहाँ पर आए देखने, ये लोग बार बार गुहार लगाते हैं। ऐसे में आइए यहाँ पे कुछ यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भैया। क्या समस्या आप लोग का? दिक्कत है एकदम, अथी के घर मकान के हैं दिक्कत है। वह कॉलोनी वॉलोनी कुछ नहीं दे रहे हैं, न कुछ रोजगार का अथी है, वो के चलते नहीं फिर रहा है। और जमीनों का है कागज पत्थर, ओकरो में कॉलोनी नहीं दे रहे हैं। कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग बोलने? हम लोग तो गए हैं, खाली हैं, मुखिया घर गए थे। कॉलोनी नहीं आज तक बनाना, हम लोग घर जुड़ा है ना, और कम लोग बिजली से हम लोग इसी में रिक्शा चला चला के खाते हैं, जितने प्लास्टिक के झोपड़ी लगा के पानी बरसात करते हैं। आप सुन रहे हैं कि इन लोगों का कितना परेशानी है, कितना इन लोगों का जिंदगी दुश्वार है। यहाँ पे लोग कितनी बार वोट का जब समय होता है तो वोट मांगने लोग आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन आज तक इन लोग का कोई भी नहीं सुना है। आइए ऐसे में और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम भैया? सचिंद्र। क्या समस्या आप लोग का? समस्या है कि बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, ना हम लोग का कोई मांग पूरा होता है। अब जब अब अगला आदमी का जब मांग होता है तो हमारे पास आते हैं कि बाबू लोग, भैया लोग हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास दे देना वोट, आपको आपको मकान बन जाएगा, कॉलोनी आपका नाम पर आ जाएगा। अब अभी तक कुछ नहीं आया है, और प्लस में चंपा कल खराब हुआ है, बहुत आदमी से तगादा कर रहे हैं चंपा कल लगाने के लिए। हम लोग रिक्शावान आदमी कहाँ जाएंगे पैसा मस्ती मिस्त्री बनाने के लिए, कष्ट में चल रहे हैं। बहुत आदमी आए हो गए, लेकिन हम लोग के ही गुस्सा पर बहुत आते हैं कि भैया ये कर दो, आप लोग करवा देंगे, ये कर दीजिए, आप लोग का हो जाएगा, अब आएंगे और ले करके चला जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग वैसी वैसी पढ़ ले रह जाएंगे। देख रहे हैं कितना नाराज है इन लोग अपना आला अधिकारी के जिला पदाधिकारी को लेके। ऐसे में और महिलाओं से बात करते हैं, क्या उनकी समस्या है, इन लोग का राशन समय पर मिलता है कि नहीं, क्या समस्या है चाची? घर गिर रही है, घर गिर रहा है, खाना गिर रही है, पति विकलांग है। सरकार का देना चाहिए ना, उसको पीछे हमको 5 बाल बचा है, किसको किसको घर हम जाएंगे मांगे, उसको सीखे हम पूछ रहे हैं। कब आ रहे हैं तब गए हैं तो कहे हम आ रहे हैं, तब ये तो कहीं नहीं आए, मगर जेकरा है उसी के दे रहे हैं, जेकरा नहीं है उसी के आप नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं कितना नाराज है यहाँ पे लोग, महिला भी नाराज है, पुरुष लोग भी है, बहुत सारे नाराज है। ऐसे में और एक महिला है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। क्या समस्या आप लोग का? हम लोग का क्या है कि देखिए हम लोग का कॉलोनी वोनी कुछ नहीं मिल रहा है, राशन वासन कुछ नहीं मिल रहा है, न ही हम लोग का बच्चा का पढ़ने को व्यवस्था है, न ही हम लोग का खाने का व्यवस्था है। हम लोग कमाते तो खाते, नहीं कमाते तो नहीं खाते। जिसके पास कॉलोनी है घर है उसी को दे रहे हैं, जिसके पास चावल पैसा है उसी को बड़े बड़े आदमी लोग का राशन देते हैं, हम लोग का कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पर दूसरे में नाला वाला कुछ नहीं यहाँ पर है, इस वजह से हम लोग बाबन से लड़ाई होते रहते हैं। बच्चे लोग का लैट्रिन करने को जगह नहीं है, उसमें शौचालय भी नहीं देते हम लोग का, कुछ नहीं देते, जिसके पास है उसी को दे रहे हैं। हाँ, हम लोग का कुछ कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग मुखिया का पास गए तो मुखिया बोले कि कुछ दिन में कॉलोनी बन जाएंगे। हाँ, जब वोट देते हैं उसको पास गए, वो भी बोले कि नहीं तुम लोग का कल बनवा देंगे, कुछ का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सारी सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग, कितना बार गुहार भी लगाए सब जगह, लेकिन कोई अभी तक इन लोगों का बात नहीं सुना। यहाँ पे एक समाज सेवी भी है, इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या अपने स्तर से कर रहे हैं इन लोगों के गरीबों के लिए। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार तिवारी। क्या इन लोगों का समस्या है, कहाँ कहाँ तक मतलब आपके हिसाब से लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ था,
और इनका न आवास है। अब जहाँ तक देख रहे हैं कि आवास के लिए लोग आज के डेट में जो हम लोग विकास की गति का देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा विकास है। जितना भी समझिए कि टेंट हाउस की तरह इन लोग लगा के रह रहे हैं। ठंड का मौसम है यहाँ, सबसे ज्यादा प्लाऊ में ठंड पड़ती है, लेकिन एक कमल के भरोसे इन लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ना इनके पास आवास है। जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ के आला पदाधिकारी है या जो भी पंचायती राज हो या जो भी हमारे सांसद महोदय हो, विधायक महोदय, यहाँ तक कि मैं अपने मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा कि वो हमेशा यहाँ पे दौरे के लिए आ रहे हैं। कम से कम 5 से 6 बार दौरे पर वो आ चुके हैं और ये एनएच 75 से मात्र 100 फीट की दूरी पर है। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दूरी पर, एनएच 75 से 100 फीट की दूरी पर है और यहाँ से हमको लगता है कि वो देखते हुए भी जाते होंगे, लेकिन इन पर इन लोगों का नजर नहीं पड़ा है। कम से कम इस चीज का जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम लोग भी दौड़ते रहते हैं, हम लोग वीडियो से भी बात करते हैं, सीओ से भी बात करते हैं, हम लोग की जहाँ तक पहुंचती है जरूर बात करते हैं। लेकिन मैं जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आपने एक आवाज उठाया है। मुझे विश्वास है कि अब इसका असर जरूर दिखेगा और इन लोगों का मकान, शौचालय कम से कम साफ सुथरे ढंग से इन लोग जरूर रहेंगे। जहाँ झारखंड सरकार अपने 2 सालों की उपलब्धियां दिखा रही है, ऐसे में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में क्या झारखंड सरकार या यहाँ के जिला प्रशासन इन गरीबों की समस्या से निजात दिला पाएगा या इनकी समस्या समस्या बनकर ही रह जाएगी? कैमरा पर्सन प्रभु दयाल तिवारी के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू।